स्टोरी सुनने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारी वेबसाइट अब लाइव हो चुकी है, जिस पर आप कई तरह का इन्फॉर्मेटिव और इन्फोटेनमेंट कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ सकते हैं। मैं हर रोज इस पर एक या दो ब्लॉग्स अपडेट करता हूँ। अगर आपको हॉरर मूवीज के सजेशंस चाहिए या फिर आप अलग अलग फोकलोर मिथ और हिस्ट्री के बारे में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाइए और इन्जॉय कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, रील्स देखिए, एंजॉय करिए, हैव फन। अगर कोई आपसे कहता है कि वो जंगलों में दिखने वाले लोग हमारे आपके जैसे ही हैं, तो उनकी बात मत मानना, वो गलत है। वो देखने में तो हम जैसे लगते हैं पर है नहीं। शायद उनमें से कुछ पहले इंसान तो थे, पर अब वो वापस नहीं जा सकते। अब वो बिल्कुल जानवरों जैसे हैं, और रहते हुए उन जीवों पर अब हम भरोसा नहीं कर सकते। वो अगर मुस्कुराकर आपको बहलाने की कोशिश भी करें, तब भी आप उन पर यकीन मत करना। उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा, आपके मांस की दावत उड़ाने से वो हिचकेंगे नहीं। मैंने उनकी ये हरकतें अपनी पूरी जिंदगी देखी हैं। वैम्पायर्स, साइरेंस, वेयरवुल्व्स और भी कई मॉन्स्टर्स, ये इंसानों के शिकारी हैं, और वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उनका खाना है, बल्कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया है। इसका नाम है सेंट फॉन्टेन के नाइट्स। हमारे कई मेंबर्स तो इसी ग्रुप में पैदा हुए हैं मुझे छोड़कर। मुझे इस ग्रुप में जगह बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। ये सब कुछ एक साल पहले शुरू हुआ था, जब मैंने कुछ वैम्पायर्स को अपना शिकार बनाया था। मेरे आखिरी शिकार का नाम रॉबर्ट था। मैं कई सालों से अकेले काम कर रहा था और मेरा उस कमीने से सामना हो गया। मैंने धोखे से उस पर वार कर दिया था, पर यह एक तरह से अच्छा ही हुआ था। मैं एक लड़की को चारे की तरह इस्तेमाल करता हूं। उसका नाम मिशेल है। वो काफी सुंदर थी। उसका काम था इन शैतानों को फंसाकर अपने पास बुलाना, और उसके बाद मैं उनका काम तमाम कर देता था। मैं मानता हूं कि कई बार मुझे इन मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते बहुत गुस्सा आ जाता है, और मैं उनके जैसी ही हैवानियत को अंजाम दे देता हूं। शायद उनके सर में एक चांदी की गोली मार देने से ही उनका काम तमाम हो जाएगा, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि उन्हें ये टॉर्चर मिलना ही चाहिए। मैंने उनका वो मौत का नंगा नाच अपनी आंखों से देखा है। जिस तरह से वो निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, उनके साथ कुछ भी किया जाए तो कम है। वो ना सिर्फ अपने शिकार को मारते हैं, बल्कि उनके परिवारों की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और ये कमीने सदियों तक यूं ही धरती पर घूमते रहते हैं। उनमें से कई मॉन्स्टर तो इंसानों को बस मजे के लिए ही मारते हैं। कुछ समय पहले तक उन्हें मारने का मेरा पसंदीदा तरीका था उनके दांत तोड़कर निकाल लेना, पर यह वैम्पायर्स पर ज्यादा काम करता है। हालांकि साइरेंस के साथ ऐसा करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। खैर, जब रॉबर्टो मेरे हाथ लगा था, मैंने उसके भी दांत निकाल लिए थे। वो दर्द से चीख रहा था और मुझे मजा आ रहा था। मिशेल उसे एक बार होटल के कमरे में लेकर आई थी, जहां मैं उसका इंतजार पहले से ही कर रहा था। मिशेल ने उसका ध्यान बटाया और मैंने सबसे पहले उसके घुटने तोड़ दिए। मेरे पास एक साइलेंसर वाली पिस्टल थी। मैंने उसके घुटनों पर पीछे से एक एक गोली मारी। उसके बाद मैंने प्लायर्स उठाए और काम में लग गया। उसने लड़ने की थोड़ी कोशिश की थी, पर वो बेकार था, क्योंकि उसके पैर तो मैंने पहले ही बेकार कर दिए थे। इस तरह के किसी भी लड़ाई में मिशेल ज्यादा देर नहीं रुकती।
उसके अंदर ये सब देखने की हिम्मत नहीं है। एक दो बार तो वो उल्टी भी कर चुकी है। वो बाहर चली जाती है और मैं उसे अगली सुबह उसके काम की पेमेंट दे देता हूं। मेरे पास इन कमीनों से निपटने के कई तरीके हैं, पर रॉबर्टो के साथ मैंने कुछ अलग किया था। सबसे पहले मैंने उसे घूंसे मारने शुरू किए। मुझे कभी कभी ऐसा करना अच्छा लगता है। वो उन वैम्पायर्स में से था जो खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। मैंने उसे बांधा और उसे उसकी औकात दिखा दी। पहले उसकी नाक टूटी और फिर उसका जबड़ा। पहले एक दो घूंसों तक तो वो मुझे अकड़ दिखा रहा था, पर 20 मिनट बीतने के बाद वो मुझसे अपनी जान की भीख मांगने लगा था। 40 मिनट के बाद वो रो रहा था और 1 घंटे बाद वो मर चुका था। मेरे लिए ये कई और रातों जैसी ही एक रात थी। मैंने रॉबर्टो को बाथटब में वैसे ही छोड़ दिया, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि कल रात मैंने जो किया था उसका खामियाजा मुझे भुगतना भी पड़ेगा। और मुझे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। इस मजेदार रात के करीब 3 हफ्ते बाद ही ब्रदरहुड ने मुझे ढूंढ लिया था। मैं एक रेस्टोरेंट में लंच करने गया था। मैं अपने काम से काम रखता हूं और ज्यादा पचड़ों में नहीं पड़ता। मेरे सामने ही कुछ लोग अंदर आए। वो यहां आसपास के तो नहीं लग रहे थे। उस वक्त मैं एरिजोना के एक छोटे से शहर में रहता था और वहां रहने वाला कोई भी आदमी ऐसे कपड़े तो नहीं पहनता था। उन्होंने बहुत ही महंगे काले सूट पहने हुए थे, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन पहनते हैं वैसे ही। वो 3 लोग थे। उनमें से 2 तो मुझसे दूर ही खड़े रहे, पर 1 मेरे पास आया। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो उनका लीडर है। वो एक गंजा सा थोड़ा उम्रदराज आदमी था, लगभग 60 के आसपास उम्र रही होगी उसकी, पर वो देखने में कहीं से भी कमजोर नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो काफी फिट था। उसने बिना पूछे ही मेरे सामने की कुर्सी खींची और बैठ गया। मैं उसे घूर रहा था और साथ ही रेस्टोरेंट में बैठे बाकी लोग भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, पर उसकी नजरें मुझ पर थीं। क्या मैं किसी तरह की परेशानी में हूं? मैंने उससे पूछा। हो सकता है। क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिसका तुम्हें पछतावा हो? उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। मुझे उसकी इस बात पर थोड़ी हंसी आ गई। मैंने कुर्सी के पीछे अपनी पीठ लगाई और उस बूढ़े आदमी को परखने की कोशिश करने लगा। तुम कोई पादरी वगैरह हो क्या? मुझे तुम्हारी फिलॉसफी की जरूरत नहीं, मैंने कहा। हाँ, वैसा ही कुछ। हालांकि अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मैं तुम्हें वो नहीं दिला सकता। तुम्हें उसके लिए किसी और के पास जाना होगा। तुम लूकस हो ना? लूकस वैन कोवर्डन। क्या शानदार नाम है, उसने जवाब दिया। मैंने जवाब दिया, सिर्फ लूकस, बाकी का थोड़ा लंबा हो जाता है। वो बुढ़ा मुस्कुरा दिया। लूकस अच्छा नाम है, दमदार है। तुम मुझे रॉय कहो, रॉय बर्गमैन। तुमसे मिलकर अच्छा लगा लूकस। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर मैंने उससे हाथ नहीं मिलाया। मैंने कहा, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं मिस्टर बर्गमैन? जहां तक मैं समझ रहा हूं, तुम यहां इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम्हें मेरा नाम पसंद है, उसने कहा। अरे नहीं, मैं तो यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं और मेरी टीम तुम्हारे काम को बहुत पसंद करते हैं। उसकी बात सुनकर मेरी भावें चढ़ गई थीं और मैंने उस पर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। उसने कहा, तुमने हाल ही में अपने जिस कस्टमर क्या नाम था उसका, रॉबर्टो, रॉबर्टो का काम किया है, उसमें हमें काफी वक्त से दिलचस्पी थी। तुम्हारा काम करने का तरीका थोड़ा अनगढ़ सा है, पर मुझे कहना होगा कि वो कारगर है। तुमने एक बढ़िया काम किया है लूकस। मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया, रॉबर्टो, तो तुम्हें वो काम पसंद आया? इसका मतलब तुम्हें मेरे बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पता है, रॉय ने कहा। हाँ, मुझे ही नहीं, वो काम हम सबको पसंद आया,
बल्कि मैं कहूंगा कि मैं इंप्रेस्ड हूं। तुम्हारे जैसा टैलेंट हर किसी में नहीं होता। कई लोगों में तो इतना जिगर भी नहीं होता कि वह ऐसा कुछ कर सके, पर जिनके पास वो है, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। हमारे साथ तुम्हें अपने जैसे कई और लोग मिलेंगे लूकस। मैंने थोड़ा शक से पूछा, क्या सच में? रॉय ने जवाब दिया, बिल्कुल, पर हमारा साथ खतरनाक है। यहां काम करने वाले लोगों के दो ही अंजाम होते हैं, या तो वो अपने काम से सही सलामत वापस आ जाते हैं, या फिर उनका कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बावजूद हमारा मकसद एक ही है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम मुझे अपने ब्रदरहुड में शामिल करने आए हो? रॉय ने कहा, बिल्कुल, पर अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि हम एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। पर यहां बात करना ठीक नहीं होगा, हम कहीं अलग जाकर बात करें। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैंने रॉय से कुछ नहीं कहा और जल्दी जल्दी अपना बर्गर खत्म किया। मैंने उससे पूछा, कहो कहां चलकर बात करनी है? हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले और रॉय मुझे एक काली एसयूवी की तरफ ले गया। उसके साथ आए वो दो लोग भी आकर आगे की सीट पर बैठ गए और मैं और रॉय पीछे बैठे थे। मैंने उससे सीधा सीधा सवाल किया, तो बताओ आखिर तुम्हारा यह ग्रुप है क्या और क्या करता है, और फिर मैं बताता हूं कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा या नहीं। रॉय ने कहा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफी पुरानी है। उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने उसे टोक दिया, तुम लोग किसी चर्च वगैरह से तो नहीं हो? रॉय ने कहा, हां और नहीं। हमारी जड़ें चर्च से जरूर जुड़ी हैं, पर हम उनके लिए काम नहीं करते। हमारा असली ग्रुप तो तब बना था जब प्राचीन नाइट्स टेम्पलार, जो कि सैकड़ों साल पहले चर्च के लिए जंग लड़ते थे, उन्हें खत्म हुए काफी साल हो गए थे। पर उसके बावजूद बहुत से नाइट्स ने अपने मिशन जारी रखे थे, पर उन्होंने चर्च को छोड़ दिया था और वो अंडरग्राउंड हो गए थे। उन्होंने अपना नाम बदल लिया पर अपना काम नहीं। हम आज भी अपने मिशन पर हैं, हालांकि धीरे धीरे उन्हें या फिर हमें यह समझ आया कि इस धरती पर हो रहे बहुत से गुनाहों के लिए इंसान, बल्कि कई तरह के शैतान जिम्मेदार हैं, जिन पर ना तो किसी सरकार का ध्यान है और ना ही उनसे निपटने के तरीकों के बारे में किसी को कोई सही जानकारी। इसीलिए हमने खुद को इन शैतानों के खात्मे के मिशन पर लगा दिया। हमारे इस ग्रुप की मेंबरशिप हर बाप से अपने बेटे को ट्रांसफर की जाती है, पर हमारी गिनती थोड़ी कम है, जो कि हमारे ग्रुप को जिंदा रखने और अपने मिशन पर लगाए रखने के लिए काफी नहीं है। हमें समय के साथ साथ अपने तरीके थोड़े बदलने पड़े हैं, और हम समझते हैं कि इस काम को करने के लिए हर इंसान का भगवान में विश्वास होना जरूरी नहीं। अगर कोई भी काबिल इंसान हमारे और इंसानियत के काम आ सकता है तो हमारे लिए वही बहुत है। हमें हमेशा ही नए लोगों की जरूरत रहती है। हमारा मिशन एकदम सीदा सादा है, वो है इस धरती पर इंसानियत का राज कायम रखना और शैतानों के इन बच्चों को हमेशा के लिए मिटा देना। मैंने रॉय की बात का जवाब दिया, कम से कम तुमने साफ साफ तो बात की है, तो बताओ मुझे तुम्हारे साथ आने के लिए क्या करना होगा? कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना हो तो बताओ। मेरी बात सुनकर रॉय हंसने लगा। उसने कहा, हमारे ग्रुप का मेंबर बनना इतना आसान नहीं है, पर मुझे लगता है कि तुम ये कर लोगे। मैंने हमारे एक लीडर ब्रदर गैलन से तुम्हारे बारे में बात की है। हमारे साथ शामिल होने के लिए तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। तुम्हें एक मिशन दिया जाएगा जिसमें तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। रॉय की बात मुझे ठीक लगी। मैंने कहा, अबे यार बस इतना सा काम? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई टारगेट है? रॉय ने जवाब दिया, मेरे पास टारगेट्स हैं तो सही, और वो भी एक नहीं दो दो। पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये टारगेट्स आसान नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये टारगेट्स किसी ट्रायल मिशन के लिए भी काफी मुश्किल हैं।
पर तुम भी तो हमारे बाकी नए लड़कों से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो ना। मुझे लगता है तुम्हें ये चैलेंज पसंद आएगा। इन दोनों ही वैम्पायर्स को बाकी आम वैम्पायर्स अपना राजा, मेरा मतलब रानी समझते हैं, और इन्हें हल्के में मत लेना। इन्हें रानी यूं ही नहीं कहते, ये दोनों कई दशकों से वेस्ट कोस्ट के एरिया में सैकड़ों वैम्पायर्स को संभाल रहे हैं। ये दोनों आम वैम्पायर्स की खुद मदद करते हैं खून पीने में, अपने नंबर्स बढ़ाने में। इन दोनों को मारने से वैम्पायर्स काफी कमजोर हो जाएंगे, और तब हमारे लिए एक एक करके उन्हें ढूंढना और खत्म करना आसान होगा। रॉय ने ड्राइवर की सीट के पीछे से एक फाइल निकाली और मुझे थमा दी। उसने कहा, अगर तुम हमारी मदद इस काम में कर दो तो तुम न सिर्फ हमारे ग्रुप का एक हिस्सा होगे, बल्कि हमारी शोहरत इन वैम्पायर्स में और भी बढ़ जाएगी। ये बदजात तुमसे डरेंगे और तुम अपने शिकार में कभी अकेले नहीं रहोगे। मैंने वो फाइल खोली और उसमें दो औरतों की फोटो रखी थी। उन दोनों के सुनहरे बाल, ऑलिव जैसी हरी खाल और हरी आंखें थी। वो शायद बहनें थीं, और वो भी जुड़वा। वो दोनों दिखने में एक जैसी थीं, पर उनमें फर्क किया जा सकता था। मैं बड़बड़ा रहा था। मियां लिया डार्लिंग, अच्छा देखने में तो ये कुछ खास खतरनाक नहीं लगती, रॉय बोल पड़ा। हमारी जानकारी कुछ और कहती है। कुछ वैम्पायर्स को जिनसे हमने पूछताछ की थी, उन्होंने बताया था कि इन दोनों को खुद सैटन ने बैप्टाइज किया है और किसी तरह की खास ताकत से नवाजा है। मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया, व्हाट द फक, कौन सी खास ताकत, रॉय बोला। बाकी वैम्पायर्स की तरह ये आसानी से नहीं मरेंगे। इस ताकत के बारे में कुछ कह नहीं सकते, पर क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत से शिकार किए हैं। ये सारे जलील वैम्पायर्स एक ही तरह से मरते हैं। अगर तुम इस काम के लिए तैयार हो तो कल मुझे एयरपोर्ट पर मिलो। मैंने तुम्हारे लिए एक सीट लॉस एंजलस की फ्लाइट में पहले से बुक कर रखी है। मैंने कहा, ओह तो तुम पहले से ही जानते थे कि मैं इस काम के लिए हाँ कहूंगा, क्या बात है। ठीक है, मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। मुझे अपने नए दोस्त की शक्ल पर मुस्कुराहट दिख रही थी। उसने कहा, ठीक है लुकस, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। आई होप सब कुछ हमारे प्लान्स के मुताबिक ही होगा। मैंने पहले भी कई बार अपने शिकार के लिए लंबा सफर किया है, पर मैं कभी लॉस एंजलिस नहीं गया। मुझे हमेशा लगता था कि ये कोई बड़ा सा लोगों से भरा हुआ गंदा शहर होगा, और मैं बिल्कुल सही था। मेरे पास एले के बारे में कहने के लिए ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है, सिवाय इसके कि ये जगह वैम्पायर्स के लिए स्वर्ग जैसी है। रात भर जागने वाला एक शहर, गंदे इलाके जहां कोई भी लाश देखकर अफसोस नहीं करता। ये समझना मुश्किल है कि ये वैम्पायर क्वींस यहां अपना साम्राज्य फैलाने में क्यों लगी हैं। जिस होटल में मैं रुका हूं, ये शायद मेरे लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये शहर के एक अच्छे इलाके में है। रॉय भी यहां अपने दोनों साथियों के साथ आ चुका है। मैं यहां कुछ अच्छे कपड़े लेकर आया हूं, क्योंकि मैं इन पर खराब इंप्रेशन डालना नहीं चाहता। फ्लाइट में रॉय ने मुझे अपने दोनों साथियों से मिलवाया था। उनके नाम ब्रायन और शॉन है। हालांकि मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हुई है, वो दोनों बस रॉय के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। लंच में रॉय ने मुझे बताया कि उन वैम्पायर्स को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें अलग अलग दबोचना। उसने कहा कि हमारा एक और साथी यहां पहले से है और उन पर नजर रख रहा है। वो कह रहा था कि लिया से कई लोग दिन में मिलने आते रहते हैं, पर वो अपने पेंट हाउस से ज्यादा बाहर नहीं निकलती, सिवाय पार्टीज और नाइट क्लब्स के। उसे लगता है कि वो वहां शिकार करने जाती है, क्योंकि वहां कई लाशें संदिग्ध हालत में मिल चुकी हैं। अगर उसे हमारी भनक लग गई तो वो बाहर नहीं निकलेगी और हमारे यहां से जाने का इंतजार करेगी। मैंने रॉय से पूछा, क्या हम उसके पेंट हाउस में नहीं घुस सकते? रॉय ने जवाब दिया, मैं इस पर काम कर रहा हूं, पर वो बहुत ही कम लोगों से मिलती है।
और ऐसा करना आसान भी नहीं होगा। मैंने रॉय पर एक और सवाल दाग दिया। उस दूसरी वाली का क्या, हम उसका कुछ कर सकते हैं क्या? क्या नाम है उसका? हाँ, मिया, रॉय ने कहा। मिया एक आसान टारगेट हो सकती है। वो अक्सर बाहर घूमती है और उसका सारा रूटीन हमें पता है। हर मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे को वो जिम जाती है और सैटरडे और संडे को नाइट क्लब्स। हमें लगता है कि वो अपने शिकार को अपने पेंट हाउस लेकर जाती है, पर हम में से किसी ने उसे किसी को मारते नहीं देखा। मैंने रॉय से कहा कि क्या हम किसी तरह मिया को पकड़कर लिया को बाहर निकलने पर मजबूर नहीं कर सकते? उसने कहा शायद, क्यों नहीं, पर उसे कैद करना भी कोई आसान काम नहीं होगा। मैंने रॉय से कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वैसे भी उन्हें मारना ही है, फिर ये हम पहले करें या बाद में क्या फर्क पड़ता है। रॉय मेरी बात सुनकर कुछ सोचने लगा। उसने कहा नहीं, ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। अगर हमने मिया को पकड़ भी लिया तब भी हमें उसे जिंदा रखना होगा, पर यह लिया को फंसाने का अच्छा मौका हो सकता है। मैंने जवाब दिया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तुमने अभी तो कहा था कि वो कल जिम में होगी, ये उसका रूटीन है ना, हमें इसमें देर नहीं करनी चाहिए। रॉय ब्रायन की तरफ देखकर बोला, आई लाइक यू लूकस, मुझे ये लड़का पसंद है, काम खत्म करने में ज्यादा देर नहीं लगाता। वो दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा ठीक है फिर, कल रात पक्का, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो वैम्पायर किलर। मिया जिस जिम में जाती है वो थोड़ी पॉश जगह थी, कुछ ऐसी जहां आपको कोई सेलिब्रिटी वगैरह आराम से देखने को मिल जाएगा। इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि मैंने उन दोनों की फाइल पढ़ी थी, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वैसे भी ये वैम्पायर जितने ज्यादा रसूख और पैसे वाले हों, उन्हें ठिकाने लगाने का मजा भी उतना ज्यादा ही है। मैंने जिम के बाहर से उस पर नजर रखी हुई थी। उसके सुनहरे बाल, हरी आंखें और ऑलिव जैसी स्किन बहुत सुंदर थी, पर वो अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही मस्कुलर थी, मतलब उसने ठीक ठाक बॉडी बना रखी थी। ये उसकी बहन लिया से ठीक उल्टा था, क्योंकि वो तो दुबली पतली और कमजोर सी लगती थी। शायद इसीलिए मैं समझ गया था कि मिया से निपटने में मुझे परेशानी पेश आने वाली है। मैं जिम के कपड़ों में ही वहां पहुंच गया। मेरे साथ ब्रायन और शॉन भी थे, वो पुशअप्स कर रही थी। हम भी कुछ मशीन्स पर एक्सरसाइज करने में लग गए। शॉन ने मुझसे पूछा, तो इसे बाहर कैसे निकालें, यहां बहुत सारे लोग हैं। ब्रायन ने कहा, हम उसके बाहर निकलने का इंतजार कर सकते हैं, बाहर रॉय तो है ही, वो इसकी गाड़ी के टायर पंचर कर सकता है और फिर हम इससे निपट लेंगे, क्या बोलते हो? ये प्लान बेकार था, मैंने इसके लिए मना कर दिया। मैंने कहा दो मिनट रुको, मुझे एक आइडिया आया था। मैंने ब्रायन और शॉन से कहा कि तुम दोनों बस तैयार रहना और मेरे इशारे पर इसे पकड़ लेना। उन्होंने कहा ठीक है। मैं मेंस लॉकर रूम में गया तो वहां कोई नहीं था, वहां फायर अलार्म लगा था। ये सारे गवाहों को यहां से बाहर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका था। हम मिया को यही मारकर उसकी लाश लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अलार्म बजते ही सारे बॉडी बिल्डर्स वहां से जाने लगे। मैं भागकर ब्रायन और शॉन के पास पहुंचा, उन्होंने अपनी गन्स मिया पर तान रखी थी। मैंने भी अपनी .45 कैलिबर पिस्टल निकाल ली, पर मिया जैसे हमें देखकर जरा भी परेशान नहीं लग रही थी, उसके चेहरे पर डर था ही नहीं। मैंने उससे पूछा, ऐसे तुम्हें शूट करने में क्या मजा? मेरे पीछे से रॉय अंदर आ गया। उसने मिया से कहा, ओ मिया डार्लिंग, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। इस पर मिया ने जवाब दिया, पर मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना, मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है, जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। रॉय ने कहा, ओ वो तो बड़ा सीधा सा है, मुझे वही चाहिए जो तुम हम इंसानों से छीन रही हो।
इस धरती पर इंसानों का ही राज चलेगा, वैम्पायर्स का नहीं। मैंने सोचा नहीं था कि कभी कोई वैम्पायर्स को एक मकसद के लिए एकजुट कर पाएगा, पर तुम दोनों बहनों ने ऐसा कर दिखाया। ये तारीफ के काबिल है, मिया ने हंसते हुए कहा। ओह, तो ये इस बारे में है। अगर तुम वैम्पायर्स की बात कर रहे हो तो हमें एक दूसरे से दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए। हम दोनों ही लोग बस यही तो चाहते हैं, एक व्यवस्था, शांति और सुरक्षा। रॉय ने जवाब दिया, तुम लोगों के रहते इस दुनिया में कोई भी सेफ नहीं है, ये हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। मिया ने कहा, हाँ, ऐसे लोगों को जो खुद को कानून और इंसानों से ऊपर समझते हैं उन्हें संभालना आसान नहीं है, मैं मानती हूं, पर किसी को तो कंट्रोल अपने हाथ में लेना ही होगा। रॉय ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां तुम्हारी जात का नामो निशान तक ना हो, तुम लोगों की ये कभी ना खत्म होने वाली भूख और ये गंदगी। तुम लोगों ने अनगिनत मासूम इंसानों का खून किया है और तुम यहां इस सब को सही ठहराने की कोशिश कर रही हो। शायद मिया ने रॉय से ये आखिरी शब्द कहे थे। तुम अभी मेरी बात नहीं समझ रहे हो। कोई भी एम्पायर रातों रात नहीं बनता। तुम नहीं जानते हो कि हमारे बिना यहां क्या क्या हो सकता है। रॉय ने मिया से कहा कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने हमें हाथ से इशारा किया और कहा, तुम लोग अपने काम पर लग जाओ। सबसे पहले मैंने गोली चलाई जो कि सीधा मिया के सर में लगी। मैंने उसकी खोपड़ी की हड्डी का एक टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ देखा। रॉय थोड़ा पीछे हटा और ब्रायन और शॉन ने भी उस पर फायर कर दिया। मैंने उसे 3 गोलियां मारी, पर मुझे ठीक से याद नहीं कि ब्रायन और शॉन ने उसे कितनी बार शूट किया। मिया थोड़ा लड़खड़ाई, उसका खून जिम के शीशों पर फैल चुका था। ये सब 1-2 सेकंड में ही हो गया था, पर वो गिरी नहीं। उसने कहा, तो तुम यही चाहते हो। उसकी आवाज थोड़ा बदल गई थी, उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी, उसके खून के कुछ छींटे जो कि अभी हवा में ही थे वो जमीन पर गिरने से पहले ही जैसे हवा में तैरने लगे और उसके जिस्म में वापस जाने लगे। जो खून जमीन पर गिरना चाहिए था वो उसके जिस्म में वापस जा रहा था। उसकी खोपड़ी में बना वो घाव अपने आप ही भर गया और उसका जिस्म ऐसा हो गया जैसे उस पर कोई चोट थी ही नहीं। ये सब हमारी आंखों के सामने ही हो रहा था। उसने कहा, पर मैं उन बाकी वैम्पायर जैसी नहीं हूं जिन्हें तुमने मौत के घाट उतारा है। मुझे मारने के लिए तुम्हें इससे बेहतर करना होगा। मैंने अपनी पिस्टल दोबारा उसकी तरफ की, पर वो बहुत ज्यादा तेज थी। वो जैसे हवा की तेजी से उस कमरे से निकली और उसने सबसे पहले शॉन को पकड़ा। उसने एक ही बार में उसकी कलाई तोड़ दी और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। दूसरा नंबर ब्रायन का था। उसने उसकी कॉलर से उसे पकड़ा और एक शीशे की तरफ उछाल दिया। मिया ने ब्रायन को किसी गुड्डे की तरह फेंक दिया था। अगला नंबर मेरा था। मैं रिएक्ट करता उसके पहले ही वो मेरे एकदम सामने खड़ी थी। मैं जब तक अपनी गन उसकी तरफ करता उससे पहले ही अपने पेट में मुझे उसकी कोहनी महसूस हुई। मैं दर्द से तड़प उठा था। उसने मुझे हवा में उठा लिया और जमीन पर जोर से दे मारा। मुझे जब चक्कर आना बंद हुआ तो मैंने देखा कि मिया रॉय के सामने खड़ी थी और उसे घूर रही थी। मुझे लगा कि वह उस पर वार करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने रॉय की आंखों में देखा और कहा, तुम लोगों को खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए। मैं अपनी बहन से कहीं ज्यादा नरम दिल हूं। आज तुम सब यहां से जिंदा जाओगे, पर दोबारा अगर तुमने कुछ करने का सोचा भी तो मैं अपनी बहन का हाथ नहीं रोक पाऊंगी। रॉय उसके सामने बिल्कुल शांत खड़ा था। वो एक तरफ हट गया और मियां दरवाजे से बाहर निकल गई। शॉन हड़बड़ाए सा था। वो खड़ा हुआ और ब्रायन को संभालने लगा। मैं जमीन पर पड़े पड़े सोच रहा था कि अगर हमें बचाने के लिए जिम की आरामदायक मैट्स नहीं होती
तो ना जाने हमारी कितनी हड्डियां टूटती। रॉय ने कहा, ये हमारे लिए एक वार्निंग थी। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और खड़ा किया। एक बार को मेरे मन में आया कि भाग कर मैं बाहर जाऊं और मियां पर फिर से फायर करूं, पर अच्छा हुआ ये मैंने नहीं किया। शायद मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचता। मैंने रॉय से पूछा, कोई प्लान भी है तुम्हारे पास? रॉय ने जवाब दिया, हमें कुछ अलग करना होगा। जाहिर है कि इन्हें हम आम वैम्पायर्स की तरह नहीं मार सकते। मैं और रॉय मेरे होटल के कमरे में चुपचाप डिनर कर रहे थे। रॉय ने कहा, हमें किसी ऐसे हथियार से इन्हें मारना होगा जिससे ये खुद को हील ना कर पाए। कुछ दमदार। अगर हमारे पास कोई होली वेपन होते तो, पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास अब वो नहीं है। मैंने रॉय से कहा, क्या हम कहीं से किसी होली वेपन का जुगाड़ नहीं कर सकते? रॉय ने कहा, नहीं, हमारे पास पहले ऐसे कुछ धारदार हथियार हुआ करते थे, पर उनमें से जो आखिरी खंजर था वो कुछ साल पहले ही टूट चुका है। हम ऐसे ही एक शैतान के अवतार को मारने गए थे और उसी लड़ाई में वो टूट गया। मैंने अपना दिमाग चलाने की कोशिश की। मैंने कहा, आग के बारे में तुम क्या सोचते हो? मेरा मतलब है, अगर हम उन्हें किसी छोटे बॉम्ब से उड़ा दें तो, जैसे कोई हैंड ग्रेनेड या फिर ऐसा ही कुछ? रॉय ने जवाब दिया, ये काम कर सकता है। मुझे किसी बॉम्ब या ग्रेनेड का जुगाड़ करना पड़ेगा, पर उसके लिए हमें सही मौके की तलाश करनी होगी। वो जब नाइट क्लब जाएगी तब हम उसे अपने जाल में फंसा सकते हैं। मैंने रॉय से पूछा, बॉम्ब पार्टी में? तुम पागल हो गए हो क्या? वहां बहुत से निर्दोष लोग मारे जाएंगे। उसने कहा, उन बेवकूफ शराबियों की जिंदगी का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। अगर तुम ये देखो कि हम किसे मार रहे हैं, अगर वो वैम्पायर जिंदा रहे तो वो न जाने कितने और लोगों की जान ले लेंगे। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, ये बस कोलैटरल डैमेज है। इतनी कुर्बानी तो हमें देनी ही पड़ेगी। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, पर यह मेरे लिए भी उतना ही कठिन है। मैंने रॉय की आंखों में देखा, पर मुझे उनमें कुछ दिखाई नहीं दिया, न इंसानियत न हैवानियत, कुछ नहीं। उसने कहा, लूकस, हमारा मिशन ह्यूमैनिटी के लिए है। हिस्ट्री में हर महान योद्धा ने कुछ न कुछ कुर्बानियां जरूर दी हैं। तुम्हें उस लड़की, मेरा मतलब वैम्पायर को, देखा था ना? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या कर सकती है। ये वैम्पायर ऐसे लोगों का इस्तेमाल एक ढाल की तरह करते हैं ताकि वो उनके बीच में सेफ रहे। वो जानते हैं कि हम उन पर ऐसी किसी जगह हमला नहीं करेंगे, पर मैं उन्हें गलत साबित कर दूंगा। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग तो वैसे भी मारे जाएंगे लूकस। कुछ ही सालों में वो इससे भी ज्यादा लोगों को मारेंगे। ये सिर्फ नंबर्स का खेल है लूकस। मुझे रॉय की ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी, पर वो सही था। या तो हम कोलैटरल डैमेज के बारे में सोचें, या फिर उन वैम्पायर्स को मारने के। शायद ऐसे मौके हमें बार बार नहीं मिलेंगे। रॉय ने कहा कि वो देखता है वो क्या कर सकता है और किस तरह के सामान का जुगाड़ कर सकता है। उसने कहा कि वो किसी तरह नाइट क्लब में घुसने की सेटिंग करेगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया, पर जाने से पहले उसने कहा कि मुझे खुद पर गर्व होना चाहिए, मैंने आज अच्छा काम किया था। अगले कुछ दिन बड़े ही शांति से निकल गए। मैं होटल से ज्यादा बाहर नहीं निकला और रॉय को चुपचाप अपना काम करने दिया। मैं, ब्रायन और शॉन कुछ छोटे मोटे कामों में लगे रहे, जहां हमने आसपास के कुछ कमजोर वैम्पायर्स को ठिकाने लगाया। पर मेरा समय अच्छा बीता था। ऐसा ही एक काम निपटाकर जब हम होटल वापस आए तो रॉय मेरे कमरे में इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, लगता है तुम्हें कुछ मिल गया है, क्यों? रॉय ने कहा, अगले 2 दिन में आइवरी नाइट क्लब में एक पार्टी है, तुम्हें वहां पहुंचना होगा। मैं फ्रिज से बियर निकाल रहा था। मैंने कहा,
यह वही काम है जिसके लिए मैं यहां आया हूं, रॉय ने कहा। कल हमें एक पैकेज मिल जाएगा, तो मैं उसे उन वैम्पायर्स ट्विन्स के पास कहीं रखना होगा। ध्यान रखना कि इस पर किसी का ध्यान न जाए। उसके बाद रॉय हंस रहा था। मैंने कहा, बस इतना सा काम, समझो हो गया। अगले दो दिन बहुत ही तेजी से बीते। उस शाम मैं और रॉय एक एसयूवी से नाइट क्लब की तरफ जा रहे थे। हमारे साथ और कोई नहीं था। रॉय के पास एक ब्रीफ केस था जो मैंने उसके पास पहली बार देखा था। उसने मुझे नहीं बताया कि उसमें क्या था, पर शायद ये वही था जो मैं सोच रहा था। हम आइवरी नाइट क्लब के बाहर रुके और उसने चुपचाप मुझे वो ब्रीफ केस थमा दिया। रॉय ने कहा, बेस्ट ऑफ लक लूकस, अच्छा काम करना। मैंने हां में सर हिलाया। मैं नाकाम होना नहीं चाहता था। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से नाइट क्लब में गया। मेरी नजरें मिया और लिया को ढूंढ रही थी। मुझे वो जल्दी ही दिखाई दे गईं। मैं मिया के सामने पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उससे सीधे सीधे लड़ना मेरी औकात से बाहर था। वो दोनों बहनें पीछे एक बूथ में बैठी थीं और उनके साथ वाला बूथ एकदम खाली था। ये एकदम सही जगह और सही मौका था। मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस वो ब्रीफ केस रख कर चुपचाप बाहर आ जाना था। मैं भीड़ से होता हुआ उस बूथ तक पहुंच गया। मैं वहां किसी की भी आंखों में नहीं देख रहा था। मैं उनके चेहरे नहीं देखना चाहता था। शायद मैं थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। यहां बहुत से लोग मारे जाने वाले थे और उन्हें पता भी नहीं था कि उनके साथ ये क्या और क्यों हो रहा था। पर मुझे रॉय की बात याद थी। ये बस नंबर्स का खेल है। मैं जाकर उस बूथ में बैठ गया और ब्रीफ केस सोफे के नीचे खिसका दिया। बाहर आते ही मैंने एक लंबी सांस ली। शायद ही कोई होगा जिसने उस क्लब से बाहर निकलते वक्त मुझे नोटिस किया होगा। मैंने एक नजर पीछे मुड़कर लिया और मिया को देखा। मैं और रॉय वहां से निकलकर करीब 100-200 मीटर ही चले होंगे कि हमें वो बॉम्ब फटने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद वहां क्या हुआ ये मैंने न्यूज में देखा। वहां 12 लोग मारे गए थे। जितना मैंने सोचा था ये नंबर उससे काफी कम था। न्यूज में मैंने नाइट क्लब का जो हाल देखा था वहां कहीं ज्यादा लोग मारे जाने चाहिए थे, पर यह अच्छा ही था। कम से कम मेरे हाथों पर कम खून था। अगले दिन रॉय ने मुझे अपने ब्रदरहुड में शामिल कर लिया। मुझे लगा कि मेरे काम यहां खत्म हो चुका है, पर शायद मुझे इस सब के बारे में और मालूमात करनी चाहिए थी। उस बॉम्ब ब्लास्ट को अब 3 दिन हो चुके थे और मुझे उम्मीद थी कि उन 12 लोगों में मिया और लिया भी मारी गई होंगी। मैंने अपनी फ्लाइट बुक कर ली थी और मैं होटल के बार में बैठा विस्की पी रहा था। मुझे आज पूरा दिन रॉय कहीं नहीं दिखा था और ना ही ब्रायन और शॉन। शायद वो किसी दूसरे असाइनमेंट पर थे। मैंने उसे आते नहीं देखा और ना ही मुझे कोई आवाज सुनाई दी, जब तक कि उसने मेरे कान के पास आकर नहीं कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना। मैं लगभग उछल पड़ा था। मियां बिल्कुल मेरे बगल में बैठी थी, पर उसके जिस्म पर एक खरोंच भी नहीं थी। उसने सफेद शर्ट पहनी हुई थी और अपनी आस्तीनें ऊपर की हुई थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि लिया मेरी जितनी रहमदिल नहीं है, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे मुंह से निकल गया, व्हाट द फक, तुम तो। मिया अपने स्टूल से उठी और मुझे पीछे आने का इशारा किया। मैं सोच रहा था कि होल्स्टर में रखी अपनी गन से एक गोली पीछे से उसके भेजे में उतार दूं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। मैं ऐसा पहले भी करके देख चुका था। मैं चुपचाप उसके पीछे चलता गया। हम कार में बैठ गए। मिया चुप थी और ड्राइव कर रही थी। मैं भी उससे कुछ नहीं कह रहा था। सच तो यह है कि मेरी बुरी तरह से फटी पड़ी थी और मैं बस इंतजार कर रहा था कि वो मुझे कब मारेगी।
करीब एक घंटे तक ड्राइव करने के बाद मियां ने हाईवे पर गाड़ी रोक दी। उसने मुझे देखा। मैंने कहा, तो तुम यहां मुझे मारोगी? मियां ने अपने कंधे उचकाकर कहा, क्या तुम्हें मारूंगी? नहीं, कम से कम मैं तो नहीं। हां, अगर तुमने लिया से ठीक से बात नहीं की तो वो तो तुम्हें जरूर मार देगी। वैसे मैंने उससे कहा है कि वो कम से कम एक बार तुम्हारी बात तो सुन ले। मेरी तरफ से खुद पर यह एक आखिरी एहसान समझो। मैंने कहा, क्या बात है, वैम्पायर्स भी किसी पर रहम कर सकते हैं। मियां ने कहा, गुड बाय एंड यू आर वेलकम लूकस। मुझे उम्मीद है कि मुझे तुम्हें दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। मैं गाड़ी से बाहर निकला और मुझे समझ में आया कि यहां क्या चल रहा था। हम बीच के बहुत पास थे और वहां कुछ था। बीच पर जमीन में क्रूसिफिक्स गड़े हुए थे और हर एक पर एक इंसान टंगा हुआ था। वहां पास ही लिया डार्लिंग खड़ी थी। मैं बड़ी ही सावधानी से उसके पास गया। मुझे देखकर उसने कहा, ओ तो तुम वो नए आदमी हो। ये देखो, ये रहा तुम्हारा पूरा ब्रदरहुड। पर अफसोस तुम इनके साथ नहीं जा पाए। मेरी बहन ने मुझे ऐसा करने से मना किया था। ये तुम्हारा पहली बार था शायद इसीलिए। मैंने धीरे से उससे पूछा, ये तुमने क्या किया है? मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैंने क्रूसिफिक्स को ध्यान से देखा तो वहां ब्रायन, शॉन, रॉय और बाकी लोग थे जिनसे मैं ब्रदरहुड में मिला था। लिया ने कहा, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हारे इस पूरे ब्रदरहुड को ढूंढ कर खत्म कर देती और उन्हें यहीं टांग देती। पर मेरी बहन बातचीत में विश्वास करती है, इसीलिए उसने सिर्फ इस शहर में मौजूद लोगों को मारा है। तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक प्रपोजल है। सूरज लगभग ढल चुका था और आसमान लाल था। उसने अपने हाथ फैलाए और कहा, तुम आज मेरी रहमदिली देख रहे हो और तुम्हें इसे अपने ब्रदरहुड से भी शेयर करना चाहिए। रहम एक तोहफा है लूकस, जो मैं किसी को दोबारा नहीं देती। अगली बार ये समंदर तुम्हारे और तुम्हारे ब्रदरहुड की नस्लों तक के खून से लाल हो जाएगा। ये मैं तुमसे वादा करती हूं। मैं अपनी जगह पर जमा हुआ लिया को देख रहा था। वो किसी बहुत ताकतवर देवी की तरह लग रही थी। वो मेरे पास आई और मेरे कान में कहा, तुम्हें मेरी बात समझ आई ना? मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने बस अपना सर हिलाया। मैं उसके सामने बेबस था। मैंने खुद को इतना कमजोर कभी महसूस नहीं किया था। लिया ने कहा, गुड, तो फिर अलविदा और ध्यान रखना कि हम दोबारा ना मिलें। वो मुझे वहीं छोड़कर चली गई। मियां और लिया अपनी कार से वहां से जा चुके थे और मुझे उन सूली पर टंगी लाशों के साथ अकेला छोड़कर चले गए थे। पिछले कुछ सालों में मैंने अपने ब्रदरहुड के साथ मिलकर कई मिशंस को अंजाम दिया है। मैं अब भी अपने ब्रदरहुड का पूरा भरोसा करता हूं। हालांकि मैंने कुछ ऐसी चीजें भी की हैं जिन पर मुझे बिल्कुल भी गर्व नहीं है और इसमें गर्व करने वाली कोई बात भी नहीं है। पर यह वक्त की जरूरत है और किसी न किसी को तो ये करना ही होगा। मैं जिन जीवों से लड़ रहा हूं उन्हें मैंने इतना पास से देखा है कि उनके लिए मेरे अंदर की नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। कभी ना कभी मैं उस जुड़वां वैम्पायर्स का सामना जरूर करूंगा और उन्हें मारूंगा भी। पर जब तक मुझे उन्हें मारने का कोई तरीका नहीं मिल जाता, मुझे इंतजार तो करना ही होगा। जब तक मुझे अपनी जीत का पक्का भरोसा नहीं होता, तब तक मैं मियां और लिया की दी गई वार्निंग को सीरियसली ले सकता हूं।